सांसद बनने के बाद भी कंगना रनौत के तेवर और उनकी बेबाक जुबानबाजी बरकरार है। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाली कंगना ने इस बार लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर एक अजीबोगरीब बयान दिया है। कंगना ने कहा, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ड्रग्स का कंजप्शन करते हैं, उनका टेस्ट होना चाहिए। बता दें कि कंगना ने ये प्रतिक्रिया राहुल गांधी के संसद में दिए गए शिव बारात वाले बयान पर दिया है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, देश में लोकतंत्र है, इसमें प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाता है। उन्होंने पूछा, क्या लिंग, उम्र, जाति और वर्ग देखकर पीएम को चुना जाता है? कल वो बोलेंगे कि स्किन कलर से प्रधानमंत्री चुना जाएगा, क्या उनको लोकसभा की रिस्पेक्ट नहीं है? कंगना ने राहुल गांधी पर अपना हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि कल भी संसद में कॉमेडी शो किया गया, उनमें कोई गरिमा नहीं है। कल वो कह रहे थे कि शिव जी की बारात और ये चक्रव्यूह है, मुझे लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए कि वो ड्रग्स लेते हैं। कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने राहुल गांधी पर अपने तीखी बयानबाजी जारी रखते हुए आगे कहा कि जिस हालत में वो संसद पहुंचकर बदहवास बातें कर रहे हैं, मैं कल देखकर आश्चर्यचकित हो गई। संसद में उन्होंने कहा कि ये जो कंपटीशन है, ये शिवजी की बारात और चक्रव्यूह में है, क्या इस बात से नहीं लगता कि किसी आदमी का ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए? मुझे लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए, या तो वो शराब के नशे में या ड्रग्स के नशे में थे। दरअसल कंगना के इस गुस्से की वजह राहुल गांधी का संसद में बजट पर चर्चा के दौरान दिया वो बयान है, जिसमें उन्होंने महाभारत का जिक्र किया था। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि हजारों साल पहले अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मारा गया था, वैसा ही चक्रव्यूह अब तैयार किया गया है, इसमें किसानों और युवाओं को फंसाया जा रहा है।